Let's do question number 17th of exercise 14.4, that is factorization. Question number 17th is 3x square plus 1 upon 3x square, kya 1 plus 1 equals to 2 ke equal aata hai ki nahi aata hai, ye batana hai ab hame. To hum apni left hand side utar lete hain. Left hand side kya de rakhi hame, 3x square plus 1 upon 3x square. Dekhiye yahan pe agar aap dekhenge ye value same hai, to अगर a प्लस बी अपॉन ए की फॉर्म में कोई वैल्यू दी हुई होती है तो हम इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, a अपॉन ए स्प्लिट कर सकते हैं, प्लस b अपॉन ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो ऊपर नीचे कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारा a अपॉन a प्लस बी की फॉर्म में है तो हम इसको a अपॉन ए प्लस a अपॉन बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट? ये ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट. चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17. तो देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर. जैसा मैंने आपको यहां बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही लिखा है. देखिए a अपॉन a, राइट, a अपॉन a प्लस b अपॉन a, b अपॉन a. अब देखिए ये वैल्यू सेम है, हमने क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ा था, जब भी वैल्यूज ऊपर नीचे सेम होती हैं तो कैंसिल हो जाती हैं और 1 बच जाता है. तो ये कैंसिल हो गई और 1 बच गया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, 1 प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर लिख सकते हैं. तो इसका मतलब 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर सॉल्व करके कितना आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर आएगा, ना कि 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 के इक्वल होगा. तो दिस इज आवर आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18 नाउ. क्वेश्चन नंबर 18 इज 3x अपॉन 3x प्लस 2 1 अपॉन 2 के इक्वल आता है कि नहीं आता है, ये बताना है. तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 3x अपॉन 3x प्लस 2. देखिए अभी अभी मैंने बताया था आपको a अपॉन a प्लस b की फॉर्म में होता है तो हम उसको a अपॉन a प्लस a अपॉन b की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, राइट? उसको एज इट इज छोड़ देते हैं. तो हमारी राइट हैंड साइड भी कितनी आनी चाहिए, यही आनी चाहिए. तो हम यहाँ लिख देते हैं 3x अपॉन 3x प्लस 2 को सॉल्व करके हमारा कितना आएगा, 3x अपॉन 3x प्लस 2 ही आएगा, 1 अपॉन 2 नहीं आएगा. तो दिस इज आवर आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 19 नाउ. क्वेश्चन नंबर 19 इज 3 अपॉन 4x प्लस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 4x. क्या 3 अपॉन 4x प्लस 3 जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हम लिख लेते हैं, 3 अपॉन 4x प्लस 3 हमारी वो कह रहा है 1 अपॉन 4x के इक्वल आती है कि नहीं आती. तो देखिए अभी अभी हमने 18th क्वेश्चन में देखा था कि a अपॉन a प्लस b के केस में हम a अपॉन a प्लस a अपॉन b की फॉर्म में नहीं लिख सकते. इसी तरीके से अब अगर b अपॉन a प्लस b की फॉर्म है तो b अपॉन a प्लस b अपॉन b भी नहीं लिख सकते, राइट? तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे b 3 को कह रही हूँ और a 4x को कह रही हूँ, तो इसका मतलब हम कुछ नहीं लिख सकते, यही आएगी हमारी राइट हैंड साइड. तो इसका मतलब 3 अपॉन 4x प्लस 3 को सॉल्व करके हमारा कितना आना चाहिए, 3 अपॉन 4x प्लस 3 ही आना चाहिए, ना कि 1 अपॉन 4x आना चाहिए. आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 20. 4x प्लस 5 अपॉन 4x क्या 5 की इक्वल आता है कि नहीं आता. तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 4x प्लस 5 अपॉन 4x. तो वही वाला फॉर्मूला, a प्लस बी अपॉन a को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन a प्लस b अपॉन a. तो दैट मीन्स हम 4x अपॉन 4x प्लस 5 अपॉन 4x लिख सकते हैं. अब जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं. तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1 बच गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 5 अपॉन 4x. तो इसका मतलब हमारा 4x प्लस 5 अपॉन 4x सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5 अपॉन 4x आ जाएगा. तो दिस इज आवर आंसर. लेट्स लास्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 21.
क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 7x प्लस 5 अपॉन 5 क्या 7x के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है हमारी 7x प्लस 5 अपॉन 5, राइट। अब देखिए हमने सीखा था a प्लस बी अपॉन ए हो तो हम a अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर a प्लस बी अपॉन बी हो तो भी हम a अपॉन बी प्लस बी अपॉन बी लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू। तो इसी तरीके से हम 7x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 5 कर सकते हैं। यहाँ पे a मैंने 7x को और b मैंने 5 को माना है। अब देखिए यहाँ पे सेम वैल्यूज हैं ऊपर नीचे, तो क्या होगा कैंसिल हो जाएंगी और क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 7x अपॉन 5 प्लस 1। तो इसका मतलब 7x प्लस 5 अपॉन 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 7x अपॉन 5 प्लस 1 के इक्वल आएगा आंसर।